डब्ल्यू इंटेल, TTL, will act at midpoint of AC. ठीक है, तो वहां आ जाएगा. नेक्स्ट इज सी डी का डब्ल्यू टू वेट टू बी इंटू एच, इट इज इक्वल टू हाफ इंटू कितना आएगा स्टूडेंट, हाउ मच नाइनटी. और ये आपका सी से डी के साइड जाएंगे आर्म के, तो टू थर्ड ऑफ द बेस एसी पहले वो दिखा देते हैं. इधर है 90, तो 90 यहाँ आ जाएगा. ये डिस्टेंस बनता हूँ मिड पॉइंट, अगला होगा टू सी डिस्टेंस, अगले वाला और स्टूडेंट ये जो डिस्टेंस है इट विल बी हाउ मच 2.3 + 6. हाँ मैं लिख देता हूँ, इट विल बी 6 + 8 अपॉन इसके. यस सर. अच्छा जी, अब अपना क्वेश्चन हो गया कपल फोर्स. जी भाई, इसमें एक डिस्टेंस में थोड़ा हटा कर थोड़ा साथ दिखेगा. आ गया डिस्टेंस, उसकी जरूरत नहीं थी. तो जो क्वेश्चन है सॉल्यूशन यहाँ से चालू होता है. सर कपल मोमेंट का क्या? हाँ बता, एक मिनट, पॉइंट सी कहाँ है? एट पॉइंट सी, दैट इज 30 के एन वाला पॉइंट. कपल बताओगे एम लिख देता हूँ, विच इज इक्वल टू दिस. ठीक है स्टूडेंट्स, जैसा मैंने दिखाया वैसे लिए. अभी मैं आपको मोमेंट इक्वेशन देता हूँ. ये कपल बेटा ध्यान लगा, बीच में भूल गया. मोमेंट इक्वेशन आई विल गिव, यू विल चेक. इक्वल टू कपल मोमेंट कितना था? 30 था. 30 जो स्टूडेंट 6 + 8 अपॉन 3 है, कितना हो जाएगा? 8.66 या क्या आया? हाँ सर. ठीक है. अच्छा बस BD 2 6 4 10, इससे आपको मिलेगा BD इक्वल टू कैलकुलेट कितना आता है बताओ. Anyone else please check. बाकी कोई जन बताओ. हाँ सर, 36. अच्छा, अभी स्टूडेंट जो VA है आपको मालूम है, यू कैन यूज दैट, क्या बोलते हैं, सिग्मा ऑफ वाई. लेकिन मैं मोमेंट से लिखता हूँ उसको निकाल के.
मोमेंट इक्वेशन में यहाँ देता हूँ आपको वी ए वाला बी आई विल यूज सिग्मा एम बी. इससे क्या होगा स्टूडेंट आएगा इक्वल टू प्लस 90 × 1.66 माइनस 40 प्लस 30 × 4 उसके बाद प्लस 1 × 2 कितना है स्टूडेंट्स 7 टोटल 10 है ना. माइनस वी बी इंटू 10 इससे भी निकाल लीजिए आप सर माइनस बी ए इंटू 10 बनो ये डाट देते हैं सॉरी डाट देते हैं ये तो ये तो अच्छा आपको तो मिलेगा बी ए इक्वल टू निकालिए कितना आता है अच्छा लिखता हूँ मैं कुछ है डेसिमल में कुछ है वैल्यू. चले 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 अभी स्टूडेंट एक चीज मुझे इसमें देखने का है बी ए प्लस वीबी ऐड किया तो आपको कितना आ जाएगा बी ए प्लस यस ठीक है तो अपना इधर जो मैं अप्लाई का टोटल कितना है देखिए तो 120 प्लस 120 सर वो 92.33 है ना 2.6 क्या मैंने बोला था इसमें यस 10.86 होगा तो वो यस 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 एक्सेप्टेड तो ये का वैल्यू बदल जाएगा अभी ये का वैल्यू बताइए 240 भी देखिए इतना आता है क्या इतना लिखा है मैंने ये 703.9 आ हाँ एक्सेप्ट ठीक सही है सही तो देखिए इफ यू ऐड दीस टू वैल्यूज ना VA plus VB, it will be equal to 120 plus 30 plus 90. That is 90. Yeah. So using moment equation also you can solve this question. Agle question question kya? Students? Horizontal force acting on AH, sorry, A nahi. Inclined है, कुछ इंक्लाइन लोड है ही नहीं. अच्छा हाँ यस आगे चले अच्छा भाई अभी अगला क्वेश्चन लेते हैं देखिए कुछ मिला 130 है 103.97 सही है अभी स्टूडेंट ये आपको इसमें दिखता है ठीक है आई विल एक्सप्लेन टेक 5 मिनट्स या 2 मिनट्स टू कॉपी दिस दो छह तीन ट्वेंटी Thank you.
का यूडीएल यूवीएल कॉम्बिनेशन है, तो यूडीएल जो है 20 इंटू 6 120 हो जाएगा, जो यूवीएल हो जाएगा 30 इंटू 6 बाय 2 90 किलोमीटर, 6 इंटू 30 180 बाय 2 90, यूडीएल आपका मिड पॉइंट आ जाएगा 6 मीटर के, यूडीएल वाला पैरेलल जैसे सर। हाँ भाई सर, वो एक वाला जो दीवार पे फिक्स होता है वो वाला हिंज टाइप, उसमें एक मोमेंटम क्यों होता था ना? हाँ वो मोमेंट इसलिए आता है, देखिए मैं समझाता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन ऐसा वाला ना, देखिए सपोज कि आपने यहाँ वेट अप्लाई किया, तो अगर ये मूवमेंट नहीं आएगा तो ये बालकनी है ये ऐसा नीचे के साइड टर्न हो जाएगा ना, तो स्टेबिलिटी नहीं आएगा उसमें, ड्यू टू दिस मूवमेंट ओनली इट इज स्टेबल। ओके ओके हाँ भाई। हाँ यस सर। हाँ ना कुछ तो बोलो भाई। हाँ यस सर। ओके ओके ठीक है ठीक है। कॉपी हो गया क्वेश्चन स्टूडेंट्स? ठीक है मैं वीडियो बनाता हूँ इसका। स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन का एबीडी पहले से बना हुआ है, ए पॉइंट सी बी पॉइंट है, पहला ये जो मैंने बोला था यूडीएल, यूडीएल 20 मल्टीप्लाई 6 मिड पॉइंट ऑफ डीई, 20 मल्टीप्लाई 6 120 आ गया मिड पॉइंट ऑफ डीई, इसे डिस्टेंस लेंगे तो 2 प्लस 6 बाय 2 दैट इज 5 आ गया, यूडीएल का आ जाएगा टोटल वेट हाफ इंटू बी दैट इज 6 इंटू एच आ जाएगा 50 माइनस 20 दैट इज 30, तो कितना न्यूटन आ गया 3 इंच मीटर 180 अपॉन 2 90 किलोमीटर, तो डी से का लोकेशन जो आएगा वो कितनी है, इफ यू सी डी ई ओनली तो दिस इज द लोकेशन, तो पॉइंट ए से लेंगे तो उसमें 2 प्लस 4 हो जाएगा तो 6 यूनिट गैप ये आएगा 90 के एन, पॉइंट बी का लोकेशन 10 मीटर पे है 80 के एन जो है प्लस 3 13 पे है, इसमें जो की पॉइंट है स्टूडेंट वो क्या है कि पॉइंट बी का जो सपोर्ट एक्शन है ना इट इज इंक्लाइंड, तो वो इंक्लिनेशन बेस लाइन का देखिए जो है दिस इज गिवन, तो अपने भी इसका परपेंडिकुलर जाएगा, तो ये जो डिस्टेंस है एंगल है ये जितना भी है तो एक्चुअल जो इंक्लिनेशन है वो उसका 90 माइनस आ जाएगा, 30 है तो इंक्लिनेशन 60 आ जाएगा एक्स एक्सिस, तो जो सपोर्ट एक्शन पॉइंट बी का है यहाँ मैंने इसको 30 के एंगल पे दिखाया x एक्सिस से बीम से, आई हैव टेकन टू कंपोनेंट्स x एंड y, x cos थीटा cos थ्री y sin थीटा, तो ये एफबीडी आप लोग चेक कीजिए, इसमें कुछ डिस्कशन है तो पूछ सकते हैं, डिस्टेंस भी नीचे लिखा है, प्लीज चेक दिस इक्वेशन में लिख के बताता हूँ आपको, एक मिनट में एक लाइन खींच देता हूँ जिससे के कंफ्यूजन नहीं होगा। साफ साफ इसमें आप चेक कीजिए, कुछ आपको लगता है होना चाहिए तो वी विल चेंज आफ्टर दिस।
इसको भी दो मूवमेंट इक्वेशन लेके सॉल्व करने वाले हैं। पहला सिग्मा एम ए लेता हूँ, बाद में सिग्मा एम लेंगे। तो अभी ओके कीजिए आप लोग, तो इक्वेशन लिखता हूँ मैं। क्वेश्चन के डायग्राम देख सकते हैं क्वेश्चन, हाँ यही के है क्वेश्चन, ये है ये क्वेश्चन। सर इसमें जो 120 है वो उस रेक्टेंगुलर पार्ट बीम का ही है ना? यस यस, और जो 90 है वो ट्राइंगुलर डब्ल्यू टू है। 120 देखिए इसका है, 120 जो है ना वो जो यूडी है 20 बाय 6 का ये वाला 120 इसका है, और जो 90 किलोमीटर में बच गया लेमिना उसका। तो इट विल बी हाफ इनटू बेस इनटू हाइट वैसा ना? हाँ जी, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट ऐसा वाला है ना? देखिए ट्रायंगल का नीचे वाला जो है ना वो यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ, ये पहला डब्ल्यू है यूडीएफ, ये हो जाएगा टू एच, एल का 6 g1 है, एच 20 है, ये हो गया 120 के एम या न्यूटन जो ये एप्लीकेबल यूनिट है। सेकंड वाला जो है डब्ल्यू टू, इट इज यूडीएल, इट इज इक्वल टू हाफ टू बी इंटू एच, बी इज 6, एच इज 50 - 30 स्टूडेंट, ठीक है? 50 - 20 अच्छा 50 - 20 तो रिपेल 30, इसका वैल्यू निकालने तो आ जाएगा 90 किलोमीटर, वही दोनों मैंने वहां पे लिखा है। देखो ये आ गया, ठीक है? हाँ सर, मोमेंट इक्वेशन में लिखता हूँ, जस्ट एक जगह थोड़ा साफ लिखा हुआ है, मोमेंट इस साइड लिख देता हूँ, जस्ट एक मिनट। -120 आप भी देखते जाइए साथ साथ, कुछ गलत है बता सकते हैं। -18 × 6 - 18 × 13 + चेक कीजिए जगह
19 टू कितना आएगा, बीच डिस्टेंस कितना आएगा, 4 माइनस 120 इनटू 5 हाँ सर प्लस 120 इनटू 5 तो 50 होगा 90 माइनस बीए इनटू 10 इट विल गिव यू बीए निकाली कितना आता है 72 या कितना आता है 72 है कितना है सर 72 आ रहा है बाकी कोई सूत्र बताओ ये सर 72 ही आ रहा है ठीक है डेसिमल जो है ठीक है ये जो है ठीक है ओके ओके अभी स्टूडेंट क्वेश्चन में मुझे आप एक बता सकते हैं इसमें कोई लाइन लोड है नहीं तो एचए का वैल्यू कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा मिलेगा ना क्योंकि आरबी का कॉस कंपोनेंट है ना यस बताइए will be 251 का 125.86 तो स्टूडेंट्स अभी देखिए मोमेंट इक्वेशन दो टाइम यूज किया तो भी क्वेश्चन सॉल्व होता है इट इज अप टू यू यू कैन यूज टू मोमेंट इक्वेशन या वन मोमेंट वन एफ वाई जैसा आपको ठीक है कुछ पूछना है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कॉपी दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स जो देता है कॉपी कीजिए और ये आपको खुद से सॉल्व करना है मेरे को ध्यान से कॉपी कीजिए आप लिख के हो जाता है तो स्टूडेंट ये इसमें बताओ उसके बाद आगे चलते हैं हाँ एक मिनट मैं देखता था स्टूडेंट कितने हैं ठीक है आप लोग सॉल्व कीजिए तो वो पेज जो आप लिखेंगे वो आप लोगों को दिखाना पड़ेगा से आप 5-10 मिनट्स इतना टाइम लेके आप सॉल्व कीजिए इसको इन द मीन टाइम अटेंडेंस भी लेता हूँ स्टूडेंट चेकबॉक्स आप लोग
अटेंडेंस के लिए अपना नंबर लिख दीजिए स्टार्टिंग विथ वन जिसका नहीं लिखाया है ओके स्टूडेंट सेवन एब्सेंट एट नाइन नेक्स्ट टेन थर्टीन एब्सेंट थर्टीन है फाइव सर एडजस्ट वेट ये हो जान दीजिए हाँ एब्सेंट ट्वेंटी टू एब्सेंट ट्वेंटी टू है ठीक है ओके हाँ ट्वेंटी हाँ सेवन एट नाइन ठीक है थर्टी वन टू थर्टी थ्री हाँ नेक्स्ट फाइव सिक्स सेवन थर्टी नाइन है फोर्टी एब्सेंट फोर्टी वन आ गया उसके बाद हाँ ठीक है फोर्टी थ्री एब्सेंट फोर्टी फाइव एब्सेंट फोर्टी फाइव है चलो सिक्स टू सेवन एट फोर्टी एट एब्सेंट फोर्टी एट एब्सेंट है नाइन नेक्स्ट ओके ओके ठीक है फिफ्टी सिक्स एब्सेंट फिफ्टी सिक्स एब्सेंट फिफ्टी सेवन सेवन एब्सेंट फिफ्टी सेवन एब्सेंट फिफ्टी नेक्स्ट ओके ओके नेक्स्ट सिक्सटी टू एब्सेंट सिक्सटी टू है ठीक है नेक्स्ट एब्सेंट सिक्सटी फोर फाइव सिक्सटी फाइव एब्सेंट है सिक्सटी फाइव भी है एब्सेंट सेवन है ठीक है एट एटीन फोर्टी चालीस फोर्टी थ्री फोर्टी एट फिफ्टी सिक्स फिफ्टी सेवन सिक्सटी थ्री एब्सेंट नंबर ठीक है स्टूडेंट क्वेश्चन कीजिए और मुझको दिखाइए सॉल्व करके कुछ दिखाइए तो आप पूछिए सर ये जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है बोल तो इसमें वो वन थर्ड लेने के लिए सीधा उसके सेंटर एक्ट करेगा ना सेंटर पे एक्ट होगा लेकिन दैट विल बी हाफ टू बी इनटू एच का डबल हाँ ठीक है ना हाँ वो बड़े ट्रायंगल का ही हाँ हाँ यस 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 वो ठीक सॉल्व कीजिए आप 18 18 के बाद 40 भाविका क्लास में है स्टूडेंट्स भाविका कंटिन्यू सॉल्व होने के बाद बताओ
भाविका मलेच्छा है तो क्लास में भाविका तन्वी ये भाविका क्लास में है लेकिन वो अटेंडेंस के लिए कुछ होती नहीं। ठीक है जान दीजिए अभी एब्सेंट रोल नंबर्स में 8 और 57 भी है। 8 नहीं है 57 है सर। 57 में प्रेजेंट चार्ट ऑप्शन डाला है। अच्छा मैं देखता बताता एक बार पहले ये देख लेते हैं। 57 दिशा है 57 है जो आंसर से देखिए सामने लिखे हैं हाँ आगे जो बाकी रही है लेकिन एक दो लोग से अपना आपने पेज पे लिखा है वो दिखा दीजिए मुझे थोड़ा सा ये समझ में नहीं। बाकी कोई कोई दिखा सकता है कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं कि नहीं वो ठीक है मैं समझ गया बात समझ गया मैं। लेकिन जैसे एक दो जन दिखावा है कि कुछ लिखा है कि नहीं आप लोगों ने कुछ लिखा आपने अभी तक 50% इनकम्प्लीट है तो भी चलेगा लेकिन शो भी समथिंग कुछ तो काम किया होगा। एक मिनट में देखा हाँ तो जरा आंसर लिखा देना वीडियो हाँ देख लीजिए ये सर नहीं गलत है वो इशू नहीं है मिस होता है तो भी चलेगा लेकिन कुछ तो लिखना चाहिए स्टूडेंट ने। सर मैं दूसरे डिवाइस से जॉइन करके देखा हाँ बोलिए दूसरे डिवाइस से जॉइन कर हाँ हाँ यस यस है वी ए मैच हो गया आपका 8.79। देखिए मिसमैच भी हो सकता है मतलब इसमें जो लिखा है ऐसा नहीं कि वो सही ही होगा 100% लेकिन उसके लिए क्या स्टूडेंट को खुद में कॉन्फिडेंस आना चाहिए। सर मैच हो हाँ कभी कभी इसमें गलती भी हो सकती है। मैंने कैमरा ऑन किया हाँ बोलो भाई बोलो मैंने कैमरा ऑन किया। अच्छा तो दो डिवाइस है क्या हाँ अच्छा एक एक मिनट एक मिनट नाम दे देता है सेकंड वाले
ये सिग्मा एम ए है ना, इसके आगे सॉल्व करना बाकी है आपका भी? सर वो मेरा गलत हो रहा है। ठीक है ठीक है, इट्स ओके, समथिंग यू हैव डन, ओके। बाकी कोई स्टूडेंट सॉल्व कर रहे हो सर? नाम बोलिए अपना, एक्चुअली इस पे कुछ अलग लिखा हुआ आ गया है। निखिल, निखिल एक मिनट एक मिनट, एक ही डिवाइस से निखिल। हाँ अभी अब दिखा सकते हैं पेज। मैंने हाँ ओके, अच्छा जी थोड़ा ऊपर के साइड ले जाइए, तो मतलब नीचे का, अच्छा अभी बाकी है। ठीक है ठीक है, सॉल्व कीजिए। ओके 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 स्टूडेंट सॉल्व कीजिए, सॉल्व इट कम्प्लीटली। हाँ हाँ तो मिसमैच कौन सा हुआ आपका? बी ए, एक तो बी ए मतलब बी से मूवमेंट लेंगे तो हो जाएगा ना सर? मेरा बी बी भी नहीं मैच हो रहा है, वो उसका भी इक्वेशन लिख दोगे? मैं इक्वेशन देता हूँ, एक मिनट में कॉपी लेता हूँ, तो वहाँ शायद लिखने को आसानी हो जाएगा। माइनस एट माइनस टेन साइन थर्टी मल्टीप्लाइड विथ सिक्स हो गया माइनस आठ एट मल्टीप्लाइड विथ दो तीन छह दो आठ दस प्लस बी इनटू सर बी बी एक क्वेश्चन मैं भी लिख देता हूँ भाई, एक क्वेश्चन भी लिख रहे थे आप लोग, मैं एक कौन सा एक क्वेश्चन लिख देता हूँ आपको, मूवमेंट अबाउट ए वाला लिखेंगे प्लस तो आप लोग मिलते जाइए 15 × 1.5 प्लस 10 3 माइनस 8 माइनस 10 साइन 36 प्लस 8 × 10 प्लस इससे देखिए स्टूडेंट कितना आता है तो हाँ सर 9.2 अच्छी हाँ मेरा बुआई ठीक है ठीक है 9.2 ओके ये एंड यू है
इससे एच ए विल बी टेन कॉस थर्टी ना, एच ए विल बी इक्वल टू कैसे लिखेंगे पहले एच ए माइनस है ना, हाँ ठीक है, तो इतना आ जाएगा स्टूडेंट एच ए 8.66 ना, 8.66 अपना एक हाफ चलता है 8.66 वाला मल्टीपल। अच्छा स्टूडेंट्स अभी किसी का एक कंप्लीटली सॉल्व हो गया क्वेश्चन ऑल वैल्यूज? हाँ सर। अच्छा तो कोई भी आप में से कोई भी एक जन पेज दिखा दीजिए, एनीवन, ये टी से किसका नाम है तन्वी का, इस पे तो नहीं आया आज। हाँ सर, जगह दो डिवाइस है क्या? सर एक बार वो क्वेश्चन मेरा टैब दिखा, मतलब गिवन क्वेश्चन। हाँ ये देखिए कुछ कंफ्यूजन तो पूछ लीजिए इसमें। कहीं कुछ आपको लगता है? अच्छा एक क्वेश्चन मुझे पूछना है। अच्छा आपने क्वेश्चन एक्चुअली, अच्छा अच्छा स्टूडेंट जो सामने क्वेश्चन दिखता है आपको, इसमें गिवन डेटा में कुछ गलत लिखा हुआ क्या? गिवन डेटा जो नंबर्स लिखे हैं, यूनिट्स लिखे हैं, उसमें कोई गलती कहीं दिखती है आपको? सर वहाँ मोमेंट की यूनिट दी है ऊपर, मोमेंट पॉइंट सी के नीचे जो लिखा है मोमेंट एक्सप्रेशन वो तो सही है। नहीं बी के ऊपर, बी के ऊपर, हाँ ठीक है। हाँ अब क्या फुल पेज किसी का सो रहा है तो कोई एक जन दिखा रहे हो इतना काफी है। ये किंजल आप ध्यान चाहते हैं, पिन किया मैंने आपको, ठीक है ठीक है। हाँ ओके ठीक है, गुड गुड ठीक ठीक है। मतलब ये अगला क्वेश्चन लेंगे, ये वाला हो गया था अभी, ये नहीं अभी तो लास्ट क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन ये वाला लेना है आपको जो सामने है E52, कॉपी दिस क्वेश्चन E52 वाला क्वेश्चन कॉपी कीजिए आप। क्या हुआ नेट गया क्या स्टूडेंट्स? नेट चालू है बंद है? नहीं सर बराबर है। ठीक है ठीक है, पीसी में चला गया। सर वो बी का पी में वो है, बी जो है वहां पे केवल बी कंपोनेंट आएगा वर्टिकल कॉम्बिनेशन, वही पहले वाले पॉइंट ए पे एच भी दिखा दीजिए, बी पे सिंगल बी। इसमें जो लोडिंग दिया है उसने क्या है कि पहले तो उसके दो हिस्से हो गए, पॉइंट ए के साथ वाला और बी के साथ वाला, उसमें भी फिर वो दो दो कॉम्बिनेशन है, यूडीएल यूएल कंबाइंड एक जगह, सेकंड केस में वही कंबाइंड है।
स्टूडेंट्स ये सेकंड असाइनमेंट लास्ट डेट क्या दिया है मैंने याद है आपने से किसी को सर मुझे 8 किलो न्यूटन है वो कैसे ऐड कर रहे हैं अच्छा 8 किलो न्यूटन हाँ मैं समझाता हूँ 8 किलो न्यूटन वो ऐसा है देखिए एक्चुअली उसने लाइन दिखाया ना उससे ऐसा लगता है कि अलोंग एक्स एक्सिस है क्या वाई ही है सर वो हाँ मतलब वो जो दो हाइट दे रहा है ना एच वन एच टू उसमें आपका जो बीच का गैप है ये वाला ये जो है ठीक है स्टूडेंट्स विल कंटिन्यू दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट लेक्चर